मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस की गोली से महिला की मौत हो गई और इस पर काफी बवाल मचा हुआ है। मामला यूपी के सिद्धार्थ नगर का है, जहां पुलिस एक आरोपी अब्दुल रहमान को पकड़ने के लिए गई थी, मगर बेटे को पकड़ कर लेके जाते हुए जब देखा तो उसकी माँ रोशनी सामने आकर खड़ी हो गई और पुलिस से बेटे को ले जाने के बारे में पूछने लगी। मृतक के बेटों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मां रोशनी को गोली मारी। हालांकि अस्पताल तत्काल लेकर जाया गया, मगर रोशनी की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि गोली मारने के बाद पुलिस ने कहा कि भागो रे, ये तो मर गई। मार के उसके बाद मेरा भाई घर के अंदर था, उसको बुलाए तो अम्मी मेरी बोलती मत ले जाओ उसको, मत ले जाओ इसको, मतलब क्या किया ये, तो बोलते मतलब ले गए उसको हिस्स को वहाँ ले गए, तो मेरी अम्मी मतलब मेरे भाई के हाथ में ऐसे मतलब पकड़ लिया। वो लोग बोलते हट जाने को, वो मार देंगे वो गोली मार देंगे। तो मेरी अम्मी बोलती मैं नहीं हटूंगी, तो बोले मेरी अम्मी को वो मार दे गोली। फायरिंग चलाने के बाद तुरंत भाग चाची हमारी गिर चुकी, चाची गिरने के बाद पुलिस तुरंत भाग चुकी। अब पुलिस ये भी नहीं बोल रही थी, पुलिस ये भी बोल रही थी कि जल्दी भागो। पुलिस क्या बोली कि जल्दी भागो, मर चुकी तुरंत के ना भागे। अब मिला जुला के 10 मिनट के ना पुलिस गांव के अंदर रुकी है, भाई थे जी, हाँ भाई को लेके गए थे पुलिस वाले, ओर्दी में थे। वही पुलिस इस पूरे मामले की अलग ही कहानी बता रही है। पुलिस ने बताया है कि गौकशी की सूचना मिली थी और आरोपी को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। सिद्धार्थ नगर के रोशनजोत और कोडरा ग्रांड के इस्लाम नगर में गौकशी की शिकायत पर थाना सिद्धार्थ नगर की पुलिस आज दबिश देने गई थी। और वहाँ पे जब दबिश देने गई तो गांव वालों द्वारा जो है पुलिस टीम को घेर लिया गया और उस पत्थरबाजी की गई तथा फायरिंग की गई। जो प्राथमिक सूचना उसके अनुसार एक महिला को गोली लगी, जिसकी यहाँ पे इलाज के दौरान मृत्यु। परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है और पुलिस कुछ अलग ही कहानी बता रही है। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जाँच जारी है।